नमः शिवाय। दोस्तों, तुला राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं बुद्धि, व्यापार और धन के कारक बुध देव अपना राशि परिवर्तन 9 अप्रैल 2024 को करने वाले हैं, तो इसका तुला राशि वाले जातकों के जीवन में कैसा प्रभाव मिलने वाला है। देखिए, 9 अप्रैल 2024 को बुधदेव मीन राशि में प्रवेश करने वाले हैं। मीन राशि बुध की नीच राशि मानी जाती है। यहां पर 10 मई 2024 तक बुध गोचर करने वाले हैं और बुधदेव राहु, सूर्य और शुक्र के साथ युति भी बनाने वाले हैं, तो इसका सभी राशि वाले जातकों के जीवन में प्रभाव देखने के लिए मिलेगा। बुध के इस राशि परिवर्तन से दो राजयोग भी बनने वाला है। बुध और शुक्र के मिलन से लक्ष्मी नारायण योग बनेगा, नीच भंग राजयोग बनेगा और सूर्य के साथ मिलन से इस समयावधि में बुधादित्य योग भी बनने वाला है। तो तुला राशि वाले जातकों को किन किन क्षेत्रों में शुभता मिलने वाली है, इसकी जानकारी हम आपको देने वाले हैं। तुला राशि वाले जातकों, जो बुध देव होते हैं वो आपके व्यय भाव और आपके भाग्य भाव के स्वामी माने जाते हैं, तो क्या परिणाम आपको मिलने वाला है, इसकी जानकारी हम आपको देंगे। देखिए, कुंडली पर बुध देव अगर मजबूत अवस्था में विराजित होते हैं तो वाक चातुरता देते हैं, वाणी में मिठास काफी ज्यादा जीवन में प्रदान करते हैं। बुध का बलि प्रभाव कुशल कारोबारी बनाता है तथा बुध के बलि होने पर छोटे भाई बहन जीवन में काफी तरक्की और उन्नति जीवन में प्राप्त करते हैं। बुध की अवस्था अगर जन्म कुंडली पर सही होती है तो शिक्षा के क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है। वहीं कुंडली पर बुध देव अगर नकारात्मक अवस्था में विराजित हों तो समस्याओं का सामना भी जीवन में करना पड़ता है। कमजोर बुध का प्रभाव मानसिक विकार, शारीरिक समस्या, नाक कान और गले से जुड़ी हुई समस्या देता है। बुध अगर कमजोर अवस्था में विराजित हो तो जातक के जीवन में त्वचा जनित बीमारियां भी होने लगती है। अब आइए हम आपको बताते हैं इसका तुला राशि वाले जातकों के जीवन में कैसा प्रभाव मिल सकता है। ये जानकारी आपके चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है, आप इसे इसी आधार पर देखें। तुला राशि वाले जातकों, बुध आपके व्यय भाव और आपके भाग्य भाव के स्वामी होकर आपके सिक्स हाउस यानी आपके छठवें भाव पर गोचर करने वाले हैं। कुंडली के छठवें भाव से बुध को बेहतर रिजल्ट देने के लिए जाना जाता है और छठवें भाव से रोग, ऋण, शत्रु के बारे में, कंपटीशन, मुकदमेबाजी, नौकरी के बारे में विचार किया जाता है। सबसे पहले बुध आपके जीवन में इस समयावधि में आपको विदेश के माध्यम से धन प्रदायक स्थिति आपके जीवन में बनाने वाले हैं। यदि आपका कोई भी कार्य व्यवसाय विदेशों से जुड़ा हुआ है तो यह समय आपके जीवन में शुभ रहने वाला है। नौकरी के मामले में थोड़ा परिणाम आपको ज्यादा बेहतर दिखाई देगा। पिछले समय से यदि आप नौकरी में किसी प्रकार का दबाव ज्यादा महसूस कर रहे हैं उससे आपको निजात मिलने वाली है। इस समयावधि में आपके साहस और आपके संकल्प शक्ति में काफी ज्यादा इजाफा मिलने वाला है। किसी प्रकार का कर्ज यदि आपके जीवन में बना हुआ है, यदि आप उसको निपटाना चाहते हैं, उसके लिए समय शुभ रहने वाला है। इस समयावधि में बुध के ही प्रभाव से आपके अंदर समर्पण और काम के प्रति काफी जुनून विकसित होने वाला है। हालांकि नौकरी व्यवसाय में यदि आप कोई बड़ा परिवर्तन कर रहे हैं तो आपको काफी सावधान भी रहना चाहिए। तुला राशि वाले जातकों को प्रेम संबंधों में और वैवाहिक जीवन में तालमेल बैठाकर ही आपको चलने की आवश्यकता रहेगी, तभी आपको शुभता जीवन में मिलने वाली है। रिश्तों में सौहार्दता बनाकर आपको चलना होगा।
सेहत के मामले में रोग प्रतिरोधक क्षमता की बढ़ोतरी होने वाली है। छोटी मोटी बीमारी यदि आपके ऊपर हावी है या छोटी मोटी बीमारियों की वजह से यदि आपको समस्याएं हो रही है, उससे आपको निजात मिलने वाली है। इस प्रकार का प्रभाव आपके जीवन में मिलेगा। धार्मिक उपायों की जानकारी दिया जाए। बुध जनित दुष्प्रभावों को यदि आप समाप्त करना चाहते हैं, ओम बुम बुधाय नमः नामक मंत्र का जप करना शुभ रहने वाला है। उम्मीद है यह जानकारी तुला राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। आने वाले समय में यदि आप अन्य वीडियोज को देखना चाहते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओम नमः शिवाय।